हम रोज़ाना हमारे आसपास कई प्रकार के पक्षियों को देखते हैं। हमारी सुबह अक्सर धूप की किरण के साथ हमारे घर की बालकनी या छत पर, घर के पास के पेड़ों पर बैठी चिड़िया की चहचहाहट से होती है, जो हमारे कानों को मधुर ध्वनि से आनंदित कर देती है। लेकिन पक्षियों की प्रजाति में हर परिंदे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ परिंदे बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनकी आवाज़ काफ़ी डरावनी होती है, मानो कहीं पर मशीन गन चल रही हो। आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शुबिल। शुबिल को दुनिया के सबसे डरावने पक्षी में शुमार किया जाता है। दरअसल इसका नाम शुबिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी चोंच जूते की तरह दिखाई देती है। इसे वेल हेडेड स्टार्क भी कहा जाता है क्योंकि इसका सिर बालिन वेल की तरह दिखाई देता है। इसका वैज्ञानिक नाम बालेसिनेप्स रेक्स है। यह पक्षी पूर्वी अफ्रीका, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, जाम्बिया जैसे देशों में पाया जाता है। शुबिल पक्षी शक्ल से डरावना लगता है, लेकिन इसकी आंखें सुनहरी होती हैं। जब ये किसी को घूरता है तो ऐसा लगता है मानो सामने मौत खड़ी हो, इसलिए इसे डेथ स्टेयर भी कहा जाता है। शुबिल को परंपरागत रूप से सारस के साथ संबद्ध माना जाता है, लेकिन शारीरिक तुलना और जैव रासायनिक साक्ष्यों के आधार पर इसे बगुलों के करीब बताया गया है। शुबिल एक लंबा पक्षी है जो करीब 4 से 5 फीट तक लंबे होते हैं और सामान्य तौर पर इनका वजन 4 से 7 किलोग्राम तक होता है। जैसा कि हमने पहले बात की है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी चोंच है जो करीब 7 से 10 इंच लंबी होती है, जो पेलिकल और सारस के बाद तीसरी सबसे लंबी चोंच है। इसकी चोंच का रंग आमतौर पर भूरा होता है। इसके पंख नीले भूरे रंग के होते हैं और इनका फैलाव लगभग 8 फीट से अधिक होता है। शुबिल आमतौर पर शांत रहने वाला पक्षी है। यह सामान्यतः चुप रहता है, लेकिन कई बार इनको घोंसलों में चोंच चटकाते हुए देखा गया है। वयस्क पक्षियों को गाय की तरह मुंह करने के साथ साथ कहराते हुए भी देखा गया है। घोंसले में बच्चे और वयस्क दोनों संचार के साधन के रूप में चोंच को चटकाते हैं। जब बच्चे माता पिता से खाना मांगते हैं तो वे मनुष्य की तरह हिचकी की आवाज़ निकालते हैं। उड़ते समय शुबिल के पंख सपाट रहते हैं और उड़ते समय शुबिल सारस की तरह अपनी गर्दन पीछे खींचकर उड़ता है। आमतौर पर यह पक्षी 100 से 500 मीटर से ज़्यादा नहीं उड़ता है। इसकी लंबी उड़ानें बहुत कम देखी गई हैं। फीमेल शुबिल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है। दोनों माता पिता सक्रिय रूप से बच्चों को पालते हैं, छाया देते हैं, उसकी रखवाली करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, लेकिन मादा थोड़ी अधिक चौकस होती है। शुबिल पक्षी अपनी धीमी चाल और काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहने के कारण जाना जाता है। इसी कारण इस प्रजाति का वर्णन मूर्ति जैसा के रूप में किया जाता है। यह पक्षी खराब ऑक्सीजन वाले पानी की ओर ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ मछलियाँ सांस लेने के लिए सतह पर आ जाती हैं, जिससे यह आसानी से उनका शिकार कर पाता है। शिकार करते समय शुबिल बहुत धीमी गति से चलता है। दरियाई घोड़े की गतिविधि अनजाने में शुबिल को फ़ायदा पहुँचा सकती है, क्योंकि जलमग्न दरियाई घोड़े कभी कभी मछलियों को सतह पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह पक्षी लंगफिश, ईल और सांप जैसे प्राणियों का शिकार करता है। यह घंटों पानी में शिकार के लिए खड़े रहते हैं और कई घंटे एक ही जगह बिना हिले डुले खड़े रह सकते हैं। ICUN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घटती जा रही है, इसलिए इन्हें रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी इसे संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया है। इसकी प्रजाति में गिरावट के मुख्य कारण इनके आवासीय क्षेत्रों का मनुष्य के द्वारा खत्म किया जाना और इनका अवैध शिकार करना है। इस प्रकार वर्तमान में यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। इस प्रजाति के पक्षी को देखने वालों के अनुसार इसे अफ्रीका के 5 सबसे वांछित पक्षियों में से एक माना जाता है। यह पक्षी मनुष्य के साथ विनम्र होते हैं और कोई खतरनाक व्यवहार नहीं दिखाते हैं। शुबिल को अक्सर चिड़ियाघरों में रखा जाता है, लेकिन ये कब और किस तरह प्रजनन करते हैं इसकी रिपोर्ट शायद ही कभी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी शुबिल पक्षी को लेकर हमारी छोटी सी रिपोर्ट। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।